आप देख रहे हैं एएमआई न्यूज, मैं हूं रितु। एक तरफ जब पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा था तो दूसरी तरफ ही कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो अपने घर परिवार से दूर बैठकर देश की सेवा कर रहे थे ताकि हम अपनी जिंदगी चैन से जी पाएं और इस त्योहार को खुशी खुशी मना सकें। अपने घर परिवार से दूर बैठे इन सैनिकों के लिए सैनिक सुरक्षा परिषद की तरफ से एक प्रयास किया गया और इस बार दिवाली का त्योहार सरहद पर बैठे इन जवानों के साथ मनाया गया। इस संबंधी जब सरहद पर तैनात जवानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि आज शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के सदस्य आज उनके साथ दिवाली का ये पर्व मनाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि इनके आने से हमें जो परिवार से दूर बैठे कमी महसूस हो रही थी वो दूर हो गई है। आपके सामने उसे एक शगुन करना। बीएसएफ की, बीएसएफ की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं हरिंदर पाल सिंह सोही, कमांडेंट 121 बटालियन बीएसएफ माधोपुर। शहीद परिवार हमारे पास आए हैं और इनके साथ हम दिवाली मिलके मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और देश पूरा दिवाली मना रहा है। हम सीमा सुरक्षा बल सीमा की सुरक्षा भी कर रही है और दिवाली भी मना रही है। जय हिंद, थैंक यू। दूसरी तरफ जब इस संबंधी शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि एक सैनिक का जीवन कैसा होता है। घर परिवार बाद में होता है, पहले देश होता है। इसलिए हम लोग अपने देश के इन शूरवीरों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं ताकि उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस ना हो सके। हर साल की तरह दीपावली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों नाल मनाने की परंपरा चल रही है और उसके तहत ही अज साडी शहीदी संस्था जिहड़ी है सुरक्षा समिति ये बीएसएफ पोस्ट के उत्ते आके पहले टिंडा पोस्ट से गई सी और उसके बाद असी इत्थे आके मना रहे हैं पहाड़ीपुर से। बहुत अच्छा लगता है और साडे परिवार के सदस्य ने इन दे विच आके दिवाली मनाने दे नाल इन्हां दा हौसला जिहड़ा बुलंद हुंदा और ये बीएसएफ जिहड़ी है बहुत अहम रोल प्ले कर रही है कि सारा देश दिवाली मना रहा और ये सीमा दे उत्ते साड़ियाँ रखवालियाँ कर रहे हैं जवान। बहुत बड़ी गल है। मैं सारे परिवार की तरफों शहीदी परिवार की तरफों इन्हां नूं मुबारकबाद देना कि तुसी अपने प्रांगण दे विच बुला के सानूं तुसी अहम रोल प्ले करन दे लई सानूं समय दित्ता। बहुत ज़्यादा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एएमआई न्यूज़।